दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से जॉब लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया जॉब है यहाँ पर आपकी। ये केंद्र की जॉब होने वाली है, सेंट्रल की जॉब होने वाली है, टोटली यहाँ पर ये गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से जो जॉब वैकेंसी है यहाँ पर पूरा इसके डिटेल्स बारे में यहाँ पर मैं पूरा बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो सबसे पहले तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज हमेशा मिलती रहे, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 यहाँ पर ये भर्ती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं आरआरबी, उसके बाद यहाँ पर पोस्ट नेम एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लेवल 2 और 3 है, ठीक है। बाकी हम बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की, ठीक है। वैकेंसी डिटेल देखेंगे, यहाँ पर आपका स्टेशन मास्टर का है, ट्रैफिक असिस्टेंट का है, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क का है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर का है, कमर्शियल अप्रेंटिस गुड गार्ड, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर आपको जॉब देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल वैकेंसी की बात करें, यहाँ पर 11,500 प्लस इसकी वैकेंसी होने वाली है। अप्लाई मोड की बात करें तो यहाँ पर ये ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद गाइज यहाँ पर हम चलते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर इसमें और क्या क्या डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर आप गाइज देख पाएंगे यहाँ पर हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट। यहाँ पर अगर आप हैं इंडिया के किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सीबीटी टेस्ट होगा 1 और 2, यहाँ पर 2 आपके एग्जाम होने वाले हैं, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका आपके हाथ में नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर दिखा देता हूँ, कैसे क्या CBT 1 में रहेगा, क्या CBT 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे CBT 1 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर सब टोटल 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। पहले मैथमेटिक्स में आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 30 यहाँ पर मार्क्स आपके रहेंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में आपका 30 रहेगा, 30 इसके भी मार्क्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स रहेंगे। और टोटल यहाँ पर देखें 100 आपका रहेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और बात कर लेते हैं अपन टाइमिंग की, यहाँ पर 1 घंटे 30 मिनट आपको टाइमिंग दिया जाएगा CBT 1 में। वहीं अगर CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में आप देखेंगे मैथमेटिक्स में यहाँ पर आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मार्क्स रहेगा। उसके बाद रीजनिंग में 35 भी, इसमें भी 35 है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस में आपको देखने को मिलेगा 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, और टोटल नंबर यहाँ पर हो जाता है 120, ठीक है। टाइमिंग आपका वही सेम रहेगा जो आपका पहले था, 1 घंटे 30 मिनट मतलब 1.5 घंटे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या डिटेल्स है उसको भी हम आपको पूरा बता देते हैं। पोस्ट की बात क्या करें तो यहाँ पर पोस्ट की देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर जैसे आपका पोस्ट असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट है, तो यहाँ पर आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पर एक आपका जो सीनियर टाइम कीपर वाला है, टाइपिस्ट वाला, तो यहाँ पर आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। और यहाँ पर देखें एज की बात कर लेते हैं, मिनिमम एज आपका 18 रखा गया, मैक्सिमम एज आपका 33 ईयर्स रखा गया। एज रिलैक्सेशन इज अप्लीकेबल पर जो है आपका जो SC ST होता है, OBC होता है, उनके लिए यहाँ पर एज में छूट भी मिलने वाली है। बात कर लेते हैं सैलरी की, यहाँ पर 21,700 से लेकर 81,000 यहाँ पर इसकी सैलरी होने वाली है। अप्लीकेशन की फीस, अप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, जनरल OBC की यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 फीस रखी गई है, और SC ST की 250। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, ठीक है। एजुकेशन की, एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एनी ग्रेजुएट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा वो ग्रेजुएशन पास आप यहाँ पर हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इंटर की भी रहती है, 12th पास के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए और यहाँ पर हम देखते हैं और क्या डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अभी ये फॉर्म आया नहीं, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन अपडेट्स होने यहाँ पर, अब थोड़ी कुछ ही दिनों में यहाँ पर 1-2 महीने में आपको यहाँ पर ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। बाकी डाउनलोड नोटिस करने के लिए यहाँ पर आपका नोटिस वगैरह का सारा कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव नॉलेज से रिलेटेड मनी मेकिंग जो भी वीडियो प्रोवाइड की जाए सबसे पहले आप सभी लोगों के पास हमेशा पहुंच रही है। बाकी बस फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक ले जाएंगे भारत, वंदे मातरम।